देखिए, जब भी ये सवाल उठता है कि ऐसे कौन से नॉन इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको इंडिया में बेतहाशा प्यार मिलता है, तो उस लिस्ट में डेविड वार्नर का नाम आता ही आता है। डेविड वार्नर उन चंद क्रिकेटरों में से एक हैं जिनको भारत में एक बंदा भी हेट नहीं करता। इवन कई बार हमने खुद देखा है कि डेविड वार्नर भी भारत की तरफ अपना प्रेम दिखाने से कतई नहीं चूकते। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल के दिन दिल्ली और SRH के बीच खेले गए मैच में दिल्ली ने डेविड वार्नर की कप्तानी में SRH को मात दे दी। ये मैच एक ऐसा था जहां पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि SRH इस मैच को हार जाएगा। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ तो जो लोगों की याददाश्त थी वो सीधे 2 साल पीछे 2021 में चली गई, क्योंकि साल 2021 वही साल था जहां पे SRH ने डेविड वार्नर को टीम से बाहर कर दिया था। उन्होंने डेविड वार्नर को रिटेन तक नहीं किया था, उनको ड्रॉप कर दिया था। लेकिन कल के दिन वक्त का करिश्मा देखिए कि डेविड वार्नर अपनी कप्तानी के अंडर एक दूसरी टीम को उसी हैदराबाद में लेके जाते हैं और वहां जाके हैदराबाद को ही मात दे देते हैं। इसे कहते हैं असल में जीवन चक्र। लेकिन कल के मैच में सिर्फ ये एक रोचक चीज देखने को नहीं मिली, बल्कि मैच शुरू होने से पहले पूरी दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देख के किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैच शुरू होने से पहले देखने को मिलता है कि जो डेविड वार्नर हैं वो जैसी भुवनेश्वर कुमार को वहां पे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो भागते हुए उनकी तरफ चले जाते हैं और सीधे जाके अपने दोनों हाथों से उनके दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। वो काफी देर तक भुवनेश्वर कुमार के पैरों को पकड़े रहते हैं और तब जाके छोड़ते हैं जब भुवनेश्वर कुमार खुद उन्हें उठाते हैं और कहते हैं मेरे पैर प्लीज छोड़ दो। जैसे ही डेविड वार्नर की तरफ से भुवनेश्वर कुमार के लिए जेस्चर देखने को मिलता है तो सभी लोग पूरे तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर डेविड वार्नर ने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के पैर छुए, जबकि जो भुवनेश्वर कुमार हैं वो तो डेविड वार्नर से काफी छोटे हैं। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है और डेविड वार्नर से यही सेम सवाल किया जाता है कि आखिर आपने भुवनेश्वर कुमार के पैर क्यों छुए थे, आप उनके पैरों को ऐसे पकड़ के क्यों बैठ गए थे, तो इस सवाल के जवाब में जो डेविड वार्नर ने यहां पे रिप्लाई किया है ना, एक बार आप सुनिए। आप सुन के ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं पहले तो डेविड वार्नर की इज्जत करता ही था, लेकिन आज से मेरे दिल में जो उनके लिए इज्जत है उसमें कई गुना इजाफा हो गया। पर वो देखने से पहले ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुमने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है? मतलब इतने कमाल कमाल के ऑफर्स में तुमको बता रहा हूं, ये सब कब यूज करोगे भाई? अगर अभी तक तुमने बल्लेबाजी ऐप पे डिपॉजिट नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिए गए ऑफर्स तुम्हारे लिए ही बने हैं। यूज करो कोड IPL5 डिपॉजिट के टाइम, इसमें मिलेगा 5% एक्स्ट्रा रियल कैश ऑन मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 100 एंड मैक्सिमम ऑफ 10,000। और जिन्हें मेगा लीग का शौक है उनके लिए एक और बढ़िया कोड है, यूज करो कोड IPLFTD 1800 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट कर रहे हो तो, और पाओ 99 मेगा लीग की फ्री टिकट। और ये जो कोड है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए है। इसके अलावा मात्र 39 रुपए में बल्लेबाजी दे रहा है 5 लाख की ग्रैंड लीग। बाकी कोई समस्या हो तो दो लोगों की हेडसअप लीग खेल लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें कम होगा तो जीतने की चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगी। और मेन बात तो यह है कि बल्लेबाजी के अंदर हेडसअप लीग में सबसे लोवेस्ट कमीशन होता है, जैसे कि 5,175 में तुम जीत सकते हो 10,000 रुपए। तो भाई इंतजार मत करो, भरपूर फायदा उठाओ। बाकी इनका प्रेडिक्टर फीचर तो है ही, जहां पे तुमको बस यस या नो करना है और अंधा पैसा छापना है। अब कल के मैच के लिए क्वेश्चन क्या है, क्या जो गुजरात है वो मुंबई से जीतेगी? बस यस या नो करो, अगर प्रेडिक्शन सही हो गई तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। ऐसे ही तुमको स्क्रीन पे कई सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे जहां पे बस यस या नो करके तुम पैसा ही पैसा छाप सकते हो। इसके अलावा फैंटेसी वॉर्स भी है जहां पे इन्फ्लुएंसर्स की बनी बनाई हुई टीम पे तुमको पैसा लगाना है और बस पैसा कमाना है। बाकी बल्लेबाजी तुमको रिवॉर्ड्स तो देता ही है, जैसे जैसे तुम खेलते जाओगे, जैसे जैसे तुम डिपॉजिट करते जाओगे, तुम्हारे जो लेवल है अनलॉक होते जाएंगे और लेवल अनलॉक होते जाएंगे तो नए नए रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। तो जब इतना कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है तो वेट किस चीज का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन और प्रिंट करने में लिंक मौजूद है बल्लेबाजी ऐप का, अभी जाओ जाके ऐप डाउनलोड करो और मस्त भैया पैसा कमाओ। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैच खत्म होने के बाद जब डेविड वार्नर से सवाल किया जाता है कि आप आखिर उस तरीके से भुवनेश्वर कुमार के पैर क्यों पकड़ रहे थे, तो यहां पे जो डेविड वार्नर ने कहा वो आपको सुनना ही चाहिए। डेविड वार्नर कहते हैं कि मैंने एज अ प्लेयर जो IPL में अपना सबसे बेहतरीन टाइम देखा है, या फिर कहूं जो अपना सबसे पीक टाइम देखा है, वो SRH के लिए खेलते हुए देखा है जब मैं SRH की कप्तानी करता था। मेरी कप्तानी के अंडर SRH ने जहां एक बार IPL जीती है तो वहीं पे एक बार प्लेऑफ में भी पहुंची है। और देखो, सच में इस बात में कोई शक नहीं है कि सिर्फ डेविड वार्नर ने ही SRH के लिए खेलते हुए अपना पीक टाइम नहीं देखा है, बल्कि SRH ने भी IPL में अपना पीक टाइम तभी देखा था जब डेविड वार्नर उनके कप्तान हुआ करते थे। जब से डेविड वार्नर हैदराबाद से चले गए
गए तो हैदराबाद से उसका गुड लक भी चला गया। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि डेविड वार्नर वो जो 2 साल की बात कर रहे हैं जहां पे SRH जीती थी या फिर जहां पे SRH प्लेऑफ में पहुंची थी, वो साल था 2016 और दूसरा साल था 2017। 2016 का साल आपको याद होगा जहां RCB और SRH के बीच फाइनल हुआ था और उस मैच में RCB बहुत ही क्लोजली वहां पे मैच जीतने वाली थी, लेकिन SRH ने आखिरी वक्त पे मैच को अपनी तरफ खींच लिया था और जहां उस मैच को खींचा था तो IPL ट्रॉफी को भी अपने नाम कर लिया था। और जहां बात आती है साल 2017 की, तो मैं बता दूं कि उस साल SRH प्लेऑफ पे तो जरूर पहुंचती है लेकिन फाइनल में पहुंचने से चूक जाती है। लेकिन जहां बात चल रही थी कि डेविड वार्नर ने भुवनेश्वर कुमार के पैर क्यों पकड़े, तो इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए डेविड वार्नर बताते हैं कि वो जो 2 साल थे ना 2016 और 2017, वहां पे भुवनेश्वर कुमार IPL के पर्पल कैप रहे थे। कुल मिला के डेविड वार्नर ये कहना चाह रहे थे कि मैंने और SRH ने जो अपना IPL में पीक देखा है उसकी जो सबसे बड़ी वजह रहे हैं वो है नन अदर देन भुवनेश्वर कुमार। और देखो सच में अगर आपको वो 2016 और 2017 वाला भुवनेश्वर कुमार याद होगा ना, तो आपको ये भी याद होगा कि उससे बेहतर वर्जन IPL में कभी आया ही नहीं। हाँ, आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि बुमराह से बड़ा बॉलर कोई इंडिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस 2016 में, उस 2017 में जब बात यॉर्कर की भी आती थी तो भुवनेश्वर कुमार बुमराह से 2 कदम आगे रहते थे। वो शुरुआती ओवर में तो विकेट चटकाते ही थे, लेकिन सेम टाइम पे डेथ के ओवर्स में उनके ओवर में 10 रन निकाल पाना भी नामुमकिन होता था। 6 की 6 बॉल इतनी सटीक यॉर्कर पड़ती थी कि उस पे कुछ भी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए डेविड वार्नर कहते हैं कि जिस इंसान की वजह से या जिस प्लेयर की वजह से मैंने अपना IPL में सबसे पीक समय देखा है तो उसको रिस्पेक्ट देना तो बनता ही है ना। और यहीं पे डेविड वार्नर एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। डेविड वार्नर कहते हैं कि मैंने कहीं पे सुना था और मैंने कुछ जगह पढ़ा भी था कि इंडिया में अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट दिखानी है तो आपको उसके पैर छूने चाहिए। हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कई जगह लिखा हुआ है कि जब आप किसी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हो या फिर जब आप किसी का आदर खुद से भी ज्यादा मानते हो, जब आप किसी को खुद से बड़ा मानते हो, तो अपनी रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए आप उसके पैरों को नमन करते हो। मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वहां पे कभी भी ये नहीं लिखा है कि कोई अगर आपकी उम्र से बड़ा हो तो उसके पैर छूने ही छूने चाहिए। पैर उसके छूने चाहिए जिसको आप खुद से ज्यादा इज्जत देना चाहते हो, जिसको आप अपने से बड़ा मानते हो, उम्र में नहीं सम्मान में। तो उसी बात को फॉलो करते हुए डेविड वार्नर ने भुवनेश्वर कुमार के लिए ये जेस्चर दिखाया। आपको याद होगा कि पिछले IPL सीजन में भी जो जॉन्टी रूट्स थे वो सचिन तेंदुलकर के पैरों में गिर गए थे और वहां पे भी जॉन्टी रूट्स ने एग्जैक्टली यही रीजन दिया था। कभी कभी ताजुब तो मुझको ये सोच के होता है कि अभी कुछ ही महीने पहले जब भुवनेश्वर कुमार का थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा था तो सैकड़ों लोग, क्या लाखों लोग, क्या करोड़ों लोग इंडिया में ऐसे थे जो भुवनेश्वर कुमार को उल्टी सीधी गंदी गालियां देते थे, लेकिन वार्नर ने उनको ये बताया कि तुम्हारे पास क्या इंसान था और उसकी इज्जत किस तरीके से होनी चाहिए थी। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कल के दिन जो ये डेविड वार्नर ने भुवनेश्वर कुमार के लिए किया है ना, सच में उनके लिए जो मेरे दिल में इज्जत थी उसमें सैकड़ों गुना इजाफा हो गया है। अब जो भी वीडियो देख रहा है, आप लोग का डेविड वार्नर के इस जेस्चर के बारे में क्या कहना है, जैसा मैंने कहा जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कॉम्पिटिशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।